भैया देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखने को मिली। वहीं चमोली जिले के पोखरी में 40 गांव के ग्रामीणों ने बच्चों के साथ सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि धोतीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर विगत 10 फरवरी से 40 गांवों के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पोखरी में प्रदर्शन कर सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लगातार लगभग एक महीने से आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक सड़क का शासन आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर समस्त क्षेत्रीय जनता ने पोखरी में विशाल जुलूस प्रदर्शन किया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। लगभग 40 गांवों के लोगों ने जो है हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगभग एक माह उनको होने वाले हैं। सरकार कोई सुध नहीं ले पा रही है और नौली धोतीधार का जो मोटर मार्ग है वो पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उस रोड का बनाया जाना बहुत जरूरी है। लोगों की मांग है कि नौली से धोतीधार रोड को बनाया जाए ताकि आवागमन बना रहे और लोगों को जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो लोगों का तीर्थाटन और पर्यटन का काम है, वो पोखरी से होते हुए जो है चोपता और केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए जो रोड जाते हैं, तुंगनाथ में जो वहाँ के आराध्य देव हैं उनके दर्शन करने के लिए लोगों को मौका मिल जाए और ये काम नहीं हो पा रहा। सरकार हीला हवेली कर रही। मैंने विधानसभा के अंदर भी प्रश्न उठाया था परंतु अभी तक वो मामला नहीं हो पाया। महाराज जी का जरूर उसमें वक्तव्य आया है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और जल्दी इसका शासनादेश करवाएंगे। आज देखिए, आज हमारा कार्मिक अनशन का 28वां दिन है और 40 ग्राम पंचायतों के, कम नहीं होता है, 40 ग्राम पंचायतें जब एक साथ एक मंच पे और वो भी एक लड़ाई के लिए आती हैं तो एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें सभी को सोचना चाहिए क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का ये रोड नहीं है। अगर ये रोड जुड़ती है, ये नौली धोतीधार मोटर मार्ग जुड़ता है तो यह पूरे पोखरी के लिए, पोखरी में 40 ही नहीं 72 ग्राम पंचायतें, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का क्षेत्र आता है, चमोली कर्णप्रयाग का क्षेत्र आता है, गौचर का क्षेत्र, अगर ये रोड तुंगनाथ भगवान से जुड़ती है तो पता नहीं कितने लोग इससे जुड़ जाएंगे और कितने बेरोजगार लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। ये एक सोचना चाहिए, हमारे बड़े से बड़े नेताओं को सोचना चाहिए।